हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और आज के एंटोमोलॉजी के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्ट ऑफ मेज के बारे में। जैसे अगर हम बात करें तो मेज को हिंदी में कहा जाता है मक्का, ठीक है, और हम लोग बिहार साइड में या फिर मेजरली बहुत जगह पे इसको भुट्टे भुट्टा भी कहते हैं, भुट्टे के नाम से भी जानते हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला अगर हम जो बात बात करते हैं, हम यहाँ पे मेजरली जो बात करने वाला है इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द मेजर पेस्ट। सो मेजर पेस्ट में सबसे पहले जो आता है दैट इज द मेज सूट फ्लाई, ठीक है। तो मेज सूट फ्लाई जो है वो बिलोंग करता है, जो उसका फैमिली है दैट इज, और सॉरी जो ऑर्डर है दैट इज डिप्टेरा। और देखने में ये इस तरीके का इंसेक्ट दिखता है, ग्रे कलर का बॉडी होता है इनका, ठीक है। सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है मेनली कहाँ देखे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो अगर आप ये अगर स्टेट्स को कवर अगर आप देखोगे तो कवर कौन सा कर रहा है, अपर पार्ट ऑफ द इंडिया में भी है, लोअर पार्ट ऑफ द इंडिया में भी है, यानी नॉर्दर्न सदर्न पार्ट दोनों, मतलब अगर हम बात करें तो बीच बीच जो पार्ट है दैट इज वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। होस्ट रेंज अगर हम बात करें मेज को तो करता ही करता है डिस्टर्ब, सॉर्गम को भी करता है, रागी, बाजरा, इन सारे क्रॉप्स को वो क्या करता है, डैमेज कर सकता है। डैमेज सिम्टम्स में क्या होंगी, द मैगोट्स फीड्स ऑन द यंग ग्रोइंग सूट्स, मतलब बेसिकली ये कहाँ डैमेज करेगा, सूट को, यानी जो प्लांट का सूट रीजन है, यानी आप सिंपली समझो तो स्टेम के ऊपर वाला पार्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि अपर पार्ट ऑफ द अबव पार्ट, या हम कह सकते हैं कि जो रूट के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज द सूट पार्ट, और वहां पे ही डैमेज करेगा, रिजल्टिंग इन डेड हर्ट्स। आपको डेड हर्ट डिजीज मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। जो सेंट्रल पार्ट होता है अंदर वो खोखला हो जाता है और उसमें ड्राइनेस आ जाती है, हम लोगों ने डेड हर्ट भी पढ़ा है, रेड हर्ट भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे ये डैमेज सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। बायोनॉमिक्स में अगर हम बात करें, बायोनॉमिक्स में कैसे पहचानेंगे, स्मॉल ग्रे कलर्ड फ्लाई होते हैं ये, ठीक है। अगर इनको मैनेज करना है तो हम ऑब्वियस है इनके रेजिस्टेंट कल्टीवार्स को हम ग्रो कर सकते हैं, लाइक DMR5, NCD, ठीक है, VC80, ये इसके कुछ क्या है, रेजिस्टेंट कल्टीवार्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फर्रो एप्लीकेशन ऑफ दी फोरेट ग्रैन्यूल्स, जिसका जो अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बात करते हैं या फिर जो दैट इज दी जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 10 g, और उसका यूज कैसे करना है, 10 kg/हेक्टेयर, या फिर हम लिंडेन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक सा पेस्ट था, यानी मेजर पेस्ट है बेसिक इन द सेंस, इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, दैट इज द मेज सूट फ्लाई, और नाम में सूट फ्लाई है तो सूट पार्ट ऑफ द प्लांट को डैमेज कॉज करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट मेजर पेस्ट दैट इज स्टेम बोरर। ये क्या करेगा, स्टेम में छेद कर देगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। सेकेंड इज स्टेम बोरर, जिसको हम लोग चीलो पार्टेलस भी कहते हैं, ठीक है, ये बिलोंग करता है लैपिडोप्टेरा से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इराक, जापान, युगांडा, ताइवान, सूडान, नेपाल। अगर आप मेजरली अगर ध्यान दो तो ये कंप्लीट एशिया में डोमिनेट करते हैं, हर जगह ये पाए जाते हैं। होस्ट रेंज में अगर हम बात करेंगे, होस्ट होगा इसका ज्वार, बाजरा, सुगर केन एंड राइस, ठीक है, मतलब मेज है इसके अलावा ज्वार, बाजरा, सुगर केन और राइस को भी डैमेज करता है। डैमेज सिम्टम में क्या होगा, इट इन्फेस्ट द क्रॉप ए मंथ आफ्टर सोइंग एंड अप टू द इमरजेंस ऑफ कॉर्प, ठीक है। जब तक इसमें छोटे छोटे कॉब, मतलब क्या होता है, ये जैसे भुट्टा होता है हम लोग खाते हैं, इसके ऊपर ये जो निकल जाता है ना दाने, छोटे छोटे निकलते भी खाने लायक नहीं होते, दैट इज कॉल्ड कॉब। तो जब ये कॉब निकल जाता है तब तक ये क्या करते हैं, इन्फेस्ट कर चुके होते हैं। सेंट्रल रूट रूट सॉरी सेंट्रल सूट जो है विदरिंग लीडिंग टू डेड हर्ट, डेड हर्ट सिम्टम वापस से इसमें कॉज करेगा, इज अ टिपिकल डैमेज सिम्टम, ठीक है। बोर होल्स आर विजिबल ऑन द स्टेम नियर द नोड्स, जहाँ पे नोड होगा, यानी जो ये पार्ट है स्टेम है, जहाँ जहाँ पे गांठ बनती है वहाँ पे नोड्स पे हम लोग क्या दिखेगा, मतलब होल्स दिख जाएंगे। यंग लार्वा क्रॉल्स एंड फीड्स टू टेंडर फोल्डेड लीव्स, ठीक है, कॉजिंग टिपिकल सूट शॉर्ट होल्स, ठीक है, लीव्स में भी डैमेज कॉज करते हैं। अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्टीम में सो इंटरनली टनलिंग एंड टनलिंग कैटरपिलर्स, मतलब अगर इनके इनके अगर हम स्टेम्स को जहाँ पे तोड़ के देखें सो अफेक्टेड पार्ट में अपने को इनके कैटरपिलर्स भी दिख जाएंगे। बायोनॉमिक्स कैसे पहचानना है, द एडल्ट मॉथ इज मीडियम साइज, ठीक है, स्ट्रॉ के कलर के होते हैं, येलोइश कह सकते हैं, इट लेज फ्लैट ओवल एग, ठीक है, इन बैचेस ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स नियर द मिड रिब। ये रहा अगर हम बात करें, ये रहा एक लीफ का पोर्शन, ठीक है, इस लीफ में जो मिड रिब है दिस इज द मिड रिब पार्ट, और मिड रिब पार्ट के लोअर, यानी अगर हम बात करें एडेक्सियल और एबेक्सियल सर्फेस में, तो एडेक्सियल ऊपर वाला होगा, एबेक्सियल नीचे, यानी एबेक्सियल सर्फेस पे, यानी हम कह सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ द लीफ पे इनके अपने को एग्स मिल जाएंगे। द फंडिसिटी इज अबाउट 25 एग्स पर फीमेल, ठीक है। सो ये बेसिक अगर हम बात करते हैं तो ये हमने स्टेम बोरर के बाद में के बारे में बात किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका लाइफ साइकिल क्या है, यानी स्टेम बोरर का लाइफ साइकिल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सो नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ
चिलोपार्टेलस अगर हम बात करते हैं, द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 days, ठीक है। द लार्वा इज येलोइश ब्राउन विथ ए ब्राउन हेड, ठीक है, विच माइंस द मिडरिब एंटर द स्टेम एंड फीड्स ऑन द इंटरनल टिश्यूज। जस्ट अ सेकेंड। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि इनका जो लार्वा होता है दैट इज येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ओके सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका लार्वा है, ठीक है, विथ ब्राउन हेड विच माइंस द मिडरिब एंटर द स्टेम एंड फीड्स ऑन द इंटरनल टिश्यू। कहाँ से घुसेगा ये? मिडरिब से जाएगा, ठीक है, स्टेम में जाता है, फीड्स टू द इंटरनल टिश्यूज। द लार्वल पीरियड इज 28 to 50 days का, यानी लार्वा जो है वो 28 से 50 दिन तक रहता है लार्वल स्टेज। विथ 7 इंस्टार, इनके इंस्टार कितना है यानी कन्वर्ट कितने स्टेजेस में होंगे, मतलब आप लोगों को पहले ही पढ़ाया हुआ है इंस्टार स्टेज, जिससे वो धीरे धीरे डेवलप करता है। इट प्यूपेट्स विद इन द स्टेम फॉर 2 to 15 days, प्यूपा जो होता है 2 से 15 दिन में बन जाता है। द एडल्ट लॉन्जिविटी इज 2 to 12 days, यानी 2 से 12 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। ईटीएल अगर हम बात करें, ईटीएल मीन्स हो गया इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल जो है दैट इज अपने को कब, मतलब जो प्रिवेंटिव मेजर से केमिकल कब यूज करने चाहिए, 10% ऑफ द डेड हर्ट अगर अपने को टोटल क्रॉप में दिखता है तो हमें ईटीएल लगा देना चाहिए वहां पे। नॉर्मली बात करें, देखिए ये है एग, नेक्स्ट वो कन्वर्ट होता है लार्वा के अंदर में, लार्वा कन्वर्ट होता है प्यूपा के अंदर में, प्यूपा जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एडल्ट मॉथ, ठीक है, ये एडल्ट है। ओके इसका मैनेजमेंट करने के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज लगा सकते हैं, जैसे हीम 129 है, यह पढ़ लो, ठीक है, ये देख लेना, बहुत सारे रेजिस्टेंट वेराइटीज लगा सकते हैं। सो लैप लबलब एंड काउपी एज एन इंटरक्रॉप, यानी इंटरक्रॉपिंग से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात किया कि इंटरक्रॉपिंग एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिससे हम पेस्ट के इन्फेस्टेशन को बचा सकते हैं। सेटअप लाइट ट्रैप, हम जानते हैं लाइट ट्रैप टिल मिडनाइट टू अट्रैक्ट एंड किल दी स्टेम बोरर्स, ठीक है। सो अगर बात करें, मेनली जो लाइट ट्रैप होंगे वो मॉथ्स को ही करेंगे, जो फ्लाई कर सकते हैं, जो मॉथ्स हैं उनको ही लाइट ट्रैप ट्रैप कर पाएगा। मिक्स एनी ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, विथ सैंड, मतलब बोल रहा है कि मिक्सिंग करना है इंसेक्टिसाइड का सैंड के साथ में टू मेकअप द टोटल क्वांटिटी 50 kg एंड अप्लाई ऑन द लीफ होल्स, ठीक है, मतलब जहाँ पे मिडरी पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या क्या है, जैसे कार्बोरेंडम हो गया, सॉरी कार्बोफ्यूरेन हो गया, ठीक है, लिंडेन का भी यूज कर सकते हैं कार्बाइल के साथ में यूज करके। तो ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो आप इनको देख लो। कलेक्ट दी स्टबल्स आफ्टर हार्वेस्ट एंड बर्न टू डिस्ट्रॉय दी डायपोजिंग बोरस, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो स्टबल बचता है उनको क्या कर देना है, अपने को लास्ट में बर्न कर देना है। सो दिस इज दी लाइफ साइकिल ऑफ स्टेम बोरस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट दैट इज पिंक स्टेम बोरर, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको हम लोग बहुत शुगर केन के भी केस में पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं तो इंडिया, पाकिस्तान, मलेश्या, ताइवान, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया, जापान एंड यूरोपिया। तो ये भी अब बोलने का मतलब है कंप्लीटली एशिया के अंदर में डोमिनेट करता है। वो स्ट्रेन्स सॉर्गम, मेज, राइस, वीट, शुगर केन। ये शुगर केन मैंने अभी अब जो आपको जस्ट बोला, शुगर केन में मेजर पेस्ट है ये, बाजरा, रागी, ठीक है, गिनिया ग्रास। तो ये इन इन सारे क्रॉप्स में भी पैरेलली क्या करता है, डैमेज करता है। अभी अभी देखो ये डेड हर्ट कॉज कर रहा है शुगर केन के अंदर में, ठीक है, तो इस तरीके से अंदर मिल जाएंगे अगर स्टेम्स को अगर हम लोगों ने देखा तो, ठीक है। डैमेज सिम्टम क्या है, पिंक लार्वा एंटर्स टू दी स्टेम कॉजिंग डेड हर्ट्स, अगेन ये डेड हर्ट कॉज कर रहा है, सिमिलर सिम्टम्स टू दैट ऑफ दी स्टेम बोरर्स, जैसे स्टेम बोरर्स में होता है वैसे ही। अच्छा हमने ये बात नहीं किया कि इसका जो ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा। अगर हम बात करेंगे तो इसमें कैसे कन्वर्ट होगा, ये एग है 6 से 10 दिन के लिए, उसमें ये कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है लार्वा के अंदर में जो कि 28 से 56 दिन तक होता है। प्यूपा अगर हम बात करेंगे तो 8 से 10 दिन और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट के अंदर में। बायोनॉमिक्स कैसे पहचानना है इनको, एडल्ट मॉथ इज स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ के कलर का होगा, ठीक है, आप देख भी पा रहे हो ये है एडल्ट इसका, विथ व्हाइट विंग्स, अगर विंग्स देखोगे नीचे साइड पे जो विंग है दैट इज हाइंड विंग व्हाइट है, ठीक है, एंड डार्क हेड, इनका जो हेड हेड पार्ट होता है दैट इज डार्कर देन दी बॉडी। द लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 45 to 75 days, कंप्लीट एग से लेके एडल्ट तक जो लाइफ ड्यूरेशन दैट इज 45 to 75 days। देर आर 4 to 6 generations पर ईयर, ठीक है, एक साल में 4 से 6 generation ही जनरेट कर लेते हैं। मैनेजमेंट ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज बहुत बेसिक है, जैसे डेक्कन 101 एंड 103 यूज कर सकते हैं, स्प्रे ऑफ द इंडोसल्फान 35 EC, ठीक है, और कैसे यूज करना है दैट इज 1 liter फॉर पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड एट एवरी 20 days इंटरवल आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द क्रॉप, ठीक है, ये बेसिक सा
हमने पढ़ा, दैट इज द क्रॉप नंबर, सॉरी इंसेक्ट नंबर थर्ड, दैट इज पिंक स्टेम बोरर। मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट, दैट इज कॉर्न वॉर्म, जिसको हम लोग ईयर वॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए ईयर किसको कहा जाता है, मैंने अभी जस्ट बताया, जो लग गया ना भुट्टा जो लग जाता है इसके ऊपर में जो पत्ते आते हैं, ठीक है। सो ये कहलाता है कॉर्न पार्ट, ठीक है। तो कॉर्न वॉर्म जो अब जो डैमेज करेगा वो कॉर्न के अंदर में करेगा। आप ये देख भी पा रहे हो जो डैमेज हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, कॉर्न के इनसाइड हो रहा है, कॉर्न में हो रहा है। कॉर्न के भी अगर हम बात करें तो इनसाइड में, यानी जो ये कर रहे हैं फ्रूटिंग बॉडी को ही डैमेज कर देते हैं। डैमेज सिम्टम, लार्वा फीड्स ऑन सिल्क एंड डेवलपिंग ग्रेन्स, यानी जो अंदर में ग्रेन डेवलप हो रहा है उसके ऊपर में, और जो सिल्क होगा, सिल्क कहने का मतलब क्या है, आपने कभी ये जो ओपन किया है देख लो, अब ये जो रेसे रेसे से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं सिल्क। तो इनके ऊपर में क्या करता है, इन्फेस्टेशन हो करता है। बायोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे, एडल्ट इज ब्राउन कलर्ड मॉथ, ठीक है, ये रहा एडल्ट, ठीक है, विद अ वी शेप्ड स्पेक, ठीक है, ऑन फोर विंग्स। फोर विंग्स के ऊपर में मतलब वी टाइप का क्या होता है, इसमें धारी प्रेजेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये देखिए वी शेप्ड स्पेक्ट एंड हैज ए डल ब्लैक बॉर्डर, ठीक है, ऑन दी हाइंड विंग, ये ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ओके, लार्वा इज ग्रीन डार्क ब्रोकन ग्रे लाइंस, ठीक है, ये हैं लार्वा, ग्रीन कलर के होंगे एंड डार्क पेल बैंड्स, इनके ऊपर में जो धब्बे होंगे वो डार्क पेल कलर के होंगे, ठीक है। पेल मतलब हम ये कह सकते हैं पेल में लाइटर येलो भी हो सकता है, व्हाइटिश भी हो सकता है, उस तरीके का। सो कलर वेरिएशन फ्रॉम ग्रीनिश टू ब्राउन, ठीक है, लार्वा जो है ग्रीन से ब्राउनिश कलर में भी हो सकता है। मैनेजमेंट, अप्लाई एट सिल्क डाइंग स्टेज आइदर कार्बाइल यूज कर सकते हैं 10D 25 kg पर हेक्टेयर, और स्प्रे ऑफ द कार्बाइल 50% WP 1 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड, ठीक है। और वाटर के लिए बोला गया कितना वाटर मिला सकते हैं, मतलब मिलाना है हमें पर kg, बोलने का मतलब है अगर हम कार्बाइल स्प्रे कर रहे हैं तो अपने को 1 kg पर हेक्टेयर यूज करना है कार्बाइल का, और पानी कितना चाहिए, 500 से 600 लीटर, 500 से 600 लीटर वाटर पर हेक्टेयर अपने को चाहिए। रिपीट दी इंसेक्टिसाइड डल एप्लीकेशन 15 डेज लेटर, मतलब वापस से फिर अपने आपको 15 दिन बाद फिर ये करना पड़ेगा। सो दिस इज द फोर्थ पेस्ट, दैट इज कॉर्न वॉर्म, दैट इज कॉल्ड ईयर वॉर्म। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट, दैट इज मेजरी पेस्ट है, ये भी है वेब वॉर्म, ठीक है। ओके, अब ये देखिए जाले बनाता है वेब, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेब वॉर्म। ओके, सो अगर हम बात करें, दिस बिलोंग्स टू लेपिडोप्टेरा। डैमेज सिम्टम अगर बात करेंगे तो लार्वा फीड्स ऑन द लेमा ऑफ द फ्लावर्स स्क्रैपिंग द क्लोरोफिल। अब देखो ये क्लोरोफिल को ही चूस लेता है, खत्म कर देता है, तो यानी जो ग्रीनिश पार्ट वो डाउन होगा लेटर ऑन द मिल्की ग्रेन्स। मिल्की मतलब कभी अब भुट्टे का वो स्टेज आता है जिसके अंदर में बहुत दूधिया पार्ट आ जाता है ना, दूध, जिसको मतलब मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, उसके बाद में डॉ स्टेज आता है, फिर हार्ड डॉ स्टेज आ जाता है। The caterpillar causes damage by constructing webs on maize cobs and feeding on the flowers and grains. ये फ्लावर को डैमेज करेगा, ग्रेन्स को भी डैमेज करेगा, ठीक है, और मेज कॉप के ऊपर में क्या जनरेट कर देता है, वेब्स बना देता है। ओके, बायोनॉमिक्स कैसे पहचानना है, एग्स आर लेड सिंगली, कभी भी ग्रुप में बहुत सारे एग्स नहीं मिलने वाले हैं, ऑन स्पाइकलेट एंड ग्रेन्स। स्पाइकलेट किसको कहते हैं, स्पाइकलेट हो गया आपका एक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, बहुत सारे जहाँ फ्लावर्स लगे होते हैं वहाँ पे, और ग्रेन्स के ऊपर में। दे हैच इन 3 to 4 days, लार्वा हैज ड्यूरेशन ऑफ 9 to 10 days, द फुल ग्रोन लार्वा इज 12 mm लॉन्ग एंड डार्क ब्राउन। आप देख पा रहे हो दिस इज द डार्क ब्राउन लार्वा। ओके, इट फॉर्म्स सिल्कन वेब्स ऑन कॉप एंड रिमेन्स इन साइड देम एंड प्यूपेट्स विद इन, हाँ मतलब अंदर में क्या करेगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। एडल्ट इज 7 mm अक्रॉस विंग्स विथ डार्क ग्रे फोर विंग्स। लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन 23 to 24 days, एंड इसका मैनेजमेंट करने के लिए अपने को मोनो क्रोटोफॉस का यूज करना होता है, दैट इज 36 SL, और इंडोसल्फान भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 35 EC पर हेक्टेयर ऑफ दी लैंड, मतलब 1 लीटर चाहिए पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेस्ट, दैट इज, सो अभी जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं दैट इज द पेस्ट नंबर 6, दैट इज कॉल्ड एफिड। एफिड एक बहुत ही कॉमन पेस्ट है और एक मेजर पेस्ट है। कॉमन पेस्ट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत सारे क्रॉप्स पे लगते हैं, अगर हम बात करते हैं सॉर्गम के रिस्पेक्ट में, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम बात करें
अगर हम अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं दैट इज इन द मेज के रेस्पेक्ट में, सो सॉर्गम ग्रोइंग जो भी एरियाज हैं वर्ल्ड में वो सारे जगह पे ही पाए जाते हैं, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड अवेलेबल है जहाँ जहाँ पे सॉर्गम लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉर्गम में भी लगता होगा। होस्ट किसका है? सॉर्गम का है, मेज का है और रागी का है, मेजरली अगर हम बात करते हैं। ठीक है, डैमेज सिम्टम में क्या है? कॉलोनीज ऑफ एफिड्स आर सीन इन दिस सेंट्रल लीफ होल, स्टेम्स एंड पैनिकल्स, द यंग एंड एडल्ट सक्स द प्लांट जूस, प्लांट जूस को सक करते हैं। दिस फ्रिक्वेंटली कॉजेज येलोइंग, मॉटलिंग ऑफ द लिप्स एंड मार्जिनल लीफ नेक्रोसिस। लीफ मतलब जो एंड एंड्स पे, हम कह सकते हैं लीफ मार्जिन पे जो जो लीफ जो है वो डेड होने लग जाता है, ब्राउनिश होने लग जाएंगे। दैट कॉजेज नेक्रोसिस ऑफ द लीफ, यानी डेथ ऑफ द लीव्स। द एफिड प्रोड्यूसेस एन एबंडेंस ऑफ द हनी ड्यू ऑन विच मोल्ड्स ग्रो। हनी ड्यू क्या होता है? स्वीटिश सेक्रेशन होता है जिसके ऊपर में क्या मोल्ड्स यानी फंगस ग्रोथ होगा। और हम जानते हैं फंगस आर फंगाई जो होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सो एज एन प्लांट को होस्ट की तरह यूज करेंगे, उसको डैमेज पहुंचाते हैं। इन पैनिकल्स हनी ड्यू में हिंडर हार्वेस्टिंग, या हार्वेस्टिंग को भी क्या कर देता है? लेट कर देता है या फिर डैमेज कॉज करता है। हिंडर बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो डिले कर देना। ठीक है, द एफिड ऑल्सो ट्रांसमिट्स मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस। सो एक वायरस है जिसको ये ट्रांसमिट भी करता है, दैट इज मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस, जिसमें प्लांट और जो कॉब है वो सारे छोटे रह जाते हैं। बायोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो बायोनॉमिक्स दो तरीके से, अगर हम बात दो चीज़ों में बात करेंगे यानी इनकी अलग अलग वेराइटीज जीनस के ऊपर में है। ठीक है, जीनस भी सेम है, अलग अलग इनके वेराइटीज हो गए, अलग अलग टाइप के एफिड्स हैं। द एफिड इज डार्क ब्लूइश ग्रीन ग्रीन कलर एंड सवॉट ऑफ वेट होते हैं। ठीक है, ओवल शेप में, ओवल शेप बॉडी होती है। इट इज 2 mm लॉन्ग विथ ब्लैक लेग्स। ठीक है, एंड एंटीना होता है कॉनिकल, और उसमें एंटीना प्रेजेंट होता है। विंग भी हो सकते हैं, विंगलेस भी हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल्स गिव बर्थ टू लिविंग यंग विदाउट मैटिंग, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं मैटिंग भी ये प्रोड्यूस कर पाती हैं। एंड ए जनरेशन रिक्वायर्स ओनली ए वीक और सो। ठीक है, फर्दर इनका जनरेशन जो है मतलब सप्ताह या फिर 10 दिन का ही होता है। द एडल्ट इज येलो कलर्ड विथ डार्क ग्रीन लेग्स। ओके, अगर हम दूसरा बात करते हैं सैकरी के बारे में, दिस सुगर केन एफिड, ठीक है, बेसिकली अगर इनको इसको बोलेंगे दैट इज अ सुगर केन एफिड, इज येलो टू बफ, नंबर इंक्रीजेस रैपिडली ड्यूरिंग द ड्राई स्पेल्स। ड्राई स्पेल्स कहने का मतलब है जस्ट आफ्टर रेनी सीजन, यानी कह सकते हैं मानसून के एंड ऑफ रेनी सीजन। ठीक है, द फीमेल ऑफ द विंगलेस फॉर्म्स डिपोजिट 60 to 100 नेम्स विद इन द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ 13 से 20 दिन का रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, जिसमें से वो प्रोड्यूस करती हैं 60 से 100 नेम्स। द विंग्ड फॉर्म्स प्रोड्यूस स्लाइटली फ्यूअर नेम्स। ठीक है, जो विंग जिनमें होता है वो कुछ नेम्स कम बनाते हैं। द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन 5.5 to 7 days ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। अगर मैनेजमेंट में बात करेंगे तो मैनेजमेंट में स्प्रे ऑफ द स्प्रे दी बेस ऑफ अटैक प्लांट, मतलब जहाँ पे जिस प्लांट को अटैक किया गया है उसके बेस पे, यानी रूट रीजन में, रूट में नहीं कह सकते हैं, जस्ट शूट पार्ट जस्ट अबव द रूट, वहाँ पे अपने डालना होता है। और क्या डालेंगे? कॉन्टैक्ट या फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स लाइक डायमिथोइड 30 EC। ठीक है, या फिर हम और क्या डाल सकते हैं? डेमेटॉन डाल सकते हैं 25 EC 500 ml इन 500 लीटर ऑफ द वाटर। सो दिस इज द मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर द एफिड। सो मूविंग टू द लास्ट पेस्ट, दैट इज द मेजर पेस्ट ऑफ वीट, दैट इज सूट बग। ठीक है, सूट बग अगर हम बात करेंगे दैट बिलोंग्स टू हेमिप्टेरा, और हेमिप्टेरा में है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सो अगर आप अगर ध्यान दो तो दिस इज द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में मेजरली पाए जाते हैं। होस्ट रेंज अगर हम बात करेंगे सॉर्गम, मेज, राइस एंड मिलेट्स, इनके ऊपर में ये लगते हैं। ठीक है, यानी जब हम सॉर्गम के बारे में पढ़ेंगे, राइस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, मिलेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इस सूट बग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो डैमेज सिम्टम क्या है? इंजरी टू द प्लांट्स इज कॉज्ड बाय द एडल्ट्स, एडल्ट कॉज करते हैं इंजरी, एंड निम्फ विच सक सैप फ्रॉम देम। ठीक है, सैप को सक कर लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन? निम्फ और एडल्ट दोनों डैमेज करते हैं। द अटैक प्लांट्स बिकम्स अनहेल्दी, स्टंटेड एंड येलो, येलोइंग हो जाती है लीव्स के अंदर में। ये देखिए बॉडी येलो कलर होने लग जाता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द लीव्स हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है। द लीव्स विदर फ्रॉम द टॉप डाउनवर्ड्स, कहने का मतलब झुक जाते हैं या फिर गिरने लग जाते हैं। पैनिकल फॉर्मेशन इज इनहिबिटेड एंड प्लांट्स डाई इफ द अटैक इज सीवियर, अगर सीवियर अटैक हुआ तो प्लांट खत्म भी हो जाएगा। हनी ड्यू सिक्रीटेड बाई द बग कॉजेज ग्रोथ ऑफ सूटी मोल्ड। ठीक है, ऑन लीव्स, मतलब फंगस जनरेशन भी, यानी फंगस भी ग्रो करने लग जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि फंगस ग्रो करना दैट इज अ सेप्रोफाइट, सो ये इस तरीके से डैमेज करेगा प्लांट को।
अगर हमको मैनेजमेंट करना है, दैट इज ए स्प्रे 500 ml ऑफ डाइमिथोइड 30 CI और मिथाइल डेमेटोन. अच्छा, मैंने आपको डेमेटोन बोल दिया, दैट इज पिछले 6 नंबर पे हम लोगों ने जो पढ़ा था एफिड के बारे में, उसमें भी मिथाइल डेमेटोन होगा, दैट इज 25 EC इन 500 लीटर ऑफ द वाटर पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड. सो ये जो मेजर 7 पेस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं, ये देखिए मैं जब भी आपको पेस्ट पढ़ाता हूँ थोड़ा सा पिकअप करता हूँ या फिर थोड़ा स्पीड अप क्लास रखता हूँ. रीजन है कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी आप देखो, जो भी हम लोगों ने पेस्ट के बारे में पढ़ा है, दैट इज थोड़ा सा फास्ट होता है. रीजन इज, और उस पर ज़्यादा डिस्कशन की भी नीड नहीं होती है. रीजन इज, आपको पेस्ट को याद करना है. अगर आप MSc में जा रहे हो प्रॉपरली, कोई क्रॉप मिला है आपको रिसर्च करने के लिए, तो आप उन क्रॉप्स पे ज़्यादा जाके पढ़ोगे इन डेप्थ, तब ज़्यादा बेटर होगा. बाकी इस तरीके से ये हमारा जनरल डिस्कशन क्लास होता है, और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको पहचानने आना चाहिए. दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ माई लेक्चर. सो और मैं क्यों नहीं आपको मतलब इन डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो क्रॉप है, जैसे मेज हो गया, सो इसके अंदर में हम लोगों ने सूट बग पढ़ा, एफिड पढ़ा, फिर दूसरे क्रॉप में ही पढ़ना, तो सेम सेम चीज़ों को बार बार रिपीट करने हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता. सो आप बस इनके पेस्ट को नाम याद रख पेस्ट का नाम याद रखो, कौन से ऑर्डर से हैं, देख के आपको पहचान में आना चाहिए कि दैट इज नेक्रोसिस, दैट इज दिस, और आप एडल्ट नीम्फ किन में बनता है, किन में एक लार्वा प्यूपा एडल्ट होता है, ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. सो गाइज, आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, कुछ सीखने मिला है, तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और शॉर्ट वीडियोज़ के लिए भी आप हमारे दूसरे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पेस्ट के साथ में, नेक्स्ट क्रॉप के साथ में. बाय बाय.